नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अशोका क्लासेज में। मैं अशोक कुमार आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कंप्यूटर के बारे में। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कंप्यूटर सीखने के लिए बाहर नहीं जा सकते। आज की डिमांड को देखते हुए कि कंप्यूटर हर फील्ड में नेसेसरी है आप लोगों के लिए, आप किसी भी ऑफिस में किसी भी फील्ड में काम करते हैं, आज कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ हमें कंप्यूटर यूज ना करना पड़ता हो। और ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो कंप्यूटर सीखने के लिए कहीं बाहर नहीं जा सकते, इंस्टीट्यूट वगैरह पे नहीं सीख पाते। तो प्रोफेशनली कंप्यूटर को कैसे हैंडल करना है, तो आज मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ कंप्यूटर्स को कैसे यूज किया जाए और इसको यूज करके हम अपने कंप्यूटर्स के वर्क को कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो इस सीरीज में मैं आपको कई सारे टॉपिक सिखाऊंगा, जैसे बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर के क्या क्या हैं, या फिर एमएस ऑफिस, ऑफिस टूल कंप्लीट हम सीखेंगे। एमएस ऑफिस के अंदर पावर पॉइंट, एक्सेल, एमएस वर्ड और वेब डिजाइनिंग। साथ में मैं एक लैंग्वेज की भी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, सी लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज। हम टॉपिक वाइज टॉपिक ये सब सीखते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कंटेंट को मैं मैक्सिमम प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर्स को कैसे यूज करेंगे। तो कंप्यूटर्स यूज करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन्हें कंप्यूटर नहीं चलाना आता, आज मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से बेसिक स्टेप पे स्टार्ट करना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम अपने कंप्यूटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो कंप्यूटर ऑन करने के बाद ये फर्स्ट स्क्रीन जो आप देख रहे हैं ये आपके सामने आती है। इस स्क्रीन पे आप क्या-क्या कर सकते हैं, फर्दर इससे आगे हम क्या-क्या स्टेप यूज करने हैं। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे, कंप्यूटर्स के अंदर ये फर्स्ट जो स्क्रीन है इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप की जो ये स्क्रीन है, यहाँ पे कुछ आइकन्स हैं, कुछ फोल्डर हैं, इनका क्या काम होता है चलिए इनके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। फोल्डर, ये जो इस टाइप से आप क्रिएट करते हैं ये एक फोल्डर है। फोल्डर क्या करता है, जो भी आप फाइलें होती हैं इसको कलेक्ट करके, यानी एक स्थान पे आप जिनको कलेक्ट करके रख सकते हैं वो है फोल्डर। फोल्डर के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट फाइलों का कलेक्शंस रख सकते हैं। दूसरा, ये जो चीज़ देख पा रहे हैं फाइल, किसी भी एप्लीकेशंस पे जब आप काम करते हैं तो वो जो रिकॉर्ड सेव होता है, इट डजेंट मैटर वो मूवी है या फिर कोई आपकी क्लिप है या फिर कोई फाइल है, तो वो सब रिकॉर्ड आपका इसके अंदर सेव होता है, इसको हम बोलते हैं फाइल। सेकंड आता है आपका आइकन। आइकन किसी एप्लीकेशंस का हो सकता है, जो भी आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड की है उनको स्टार्ट करने के लिए जो एक स्टार्ट बटन जो आपको दिया जाता है वो कंप्यूटर के अंदर आइकन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, इनको आप डेस्कटॉप पे कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो अब इसमें फर्दर हम बात करते हैं ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ स्टोर होती हैं। अब ये जो पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी जो डेटा है आपका ये कहाँ स्टोर हो रहा है। अगर हम बात करें तो आपके कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क होती है, स्टोरेज डिवाइस होता है, जिसको हम इंस्टॉलेशन टाइम में जब आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे उसको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है। अब मैंने अपनी हार्ड डिस्क को आप देख रहे होंगे माई कंप्यूटर्स के अंदर इन तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। लोकल डिस्क सी, ये सेकंड बनाई हुई है पर्सनल डॉक्यूमेंट के लिए, इस मैंने नाम दिया हुआ पर्सनल डॉक्यूमेंट, ड्राइव डी है, और थर्ड है आपका न्यू वॉल्यूम करके ई ड्राइव है। ये तीन पार्ट में मैंने अपनी हार्ड डिस्क को फर्दर डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट पार्ट है किसी भी कंप्यूटर में जो आता है, मोस्टली जो प्रेफरेबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप इंस्टॉल करते हैं वो लोकल डिस्क सी पार्ट के अंदर आप इंस्टॉल करते हैं। डी और ई या फर्दर कोई और पार्ट अगर आपने किए हुए हैं, अब ये क्या काम करते हैं,
एक्चुअली में जब भी आप अपने कंप्यूटर्स के अंदर वर्क करते हैं और जो आपका अपना डेटा होता है उसको सेव करने के लिए फर्दर अलग अलग जो पार्ट किए जाते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट डेटा है जो भी आप वर्क करते हैं, मैं सजेस्ट करूँगा या हर कोई सजेस्ट आपको करता है कि कभी भी अपनी पर्सनल फाइल इम्पोर्टेंट डेटा जो है उसको डेस्कटॉप या फिर माई डॉक्यूमेंट या फिर डाउनलोड का जो फोल्डर आपका बना होता है इसमें इंस्टॉल्ड ना करें। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जब भी आपका कभी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी वजह से क्रैश हो जाता है या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, उसको आप जब दोबारा से इंस्टॉल्ड करते हैं तो आपका ये डेटा लॉस्ट हो जाता है। गायब होने के बाद इसको रिकवर करने में, अगर कोई आपका डेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप उसको रिकवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स आपको लगाने पड़ते हैं, या फिर वो डेटा आपको रिकवर करने के लिए किसी स्पेशलिस्ट एनालिसिस के पास जाते हैं तो उसके लिए काफ़ी हैवी आपको चार्ज पे करना पड़ता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपका इम्पोर्टेंट डेटा है वो अपनी डी ड्राइव, ई ड्राइव या फर्दर कोई और दूसरा पार्ट है, सी ड्राइव को छोड़ के, तो आप वहाँ पे इंस्टॉल्ड करें। इससे बेनिफिट ये होता है कि जो डेटा आपका सिस्टम के अंदर जब आप दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड करते हैं तो वो डी और ई यानी सी ड्राइव को छोड़ के फर्दर से जो पार्ट आपने किए हुए हैं वो आपको सेफ मिल जाता है। और जब भी आप नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड करते हैं तो डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट से या फर्दर जो इस तरह के आपको फोल्डर्स बने होते हैं या सी ड्राइव के अंदर जो डेटा है वो आपको इंस्टॉल्ड करने पर नहीं मिलता, तो इसलिए आपको ये डेटा यहाँ पे सेव करके रखना चाहिए। तो ये था हमारा सबसे पहला प्रोसेस कि आप अपने डेटा को कहाँ पे सेव करके रखें, कंप्यूटर्स में माई कंप्यूटर क्या होता है, फर्दर स्टोरेज जो है आपकी हार्ड डिस्क है उसके पार्टीशंस, कौन सा पार्टीशंस कहाँ पे काम आता है, इन सब चीज़ों को आपने मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में। जैसा कि ये आप ऊपर देख रहे हैं कुछ फोल्डर आपको दिखाई दे रहे हैं, डाउनलोड का है, डॉक्यूमेंट का है, डेस्कटॉप का है, 3D ऑब्जेक्ट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियो, ये जो फोल्डर्स हैं ये आपके इंस्टॉलेशन, जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड करते हैं तो उसमें आपका ये बन के आते हैं। तो कभी भी मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप अपने डेटा को इन फोल्डर्स के अंदर सेव करें, हमेशा अपनी डी ड्राइव या फिर ई ड्राइव फर्दर डेटा को सेव करने के लिए यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में सिर्फ मेरा मकसद था कि अपनी हार्ड ड्राइव के हमेशा इंस्टॉलेशन टाइम पे अलग अलग पार्ट करके चलें, कभी भी हार्ड ड्राइव का सिंगल पार्ट ना रखें, इससे आपको डेटा को बचाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फर्दर आगे हम ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो बनाते रहेंगे और उम्मीद करता हूँ आज का इतना सा ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।